संसद की खबरों के बाद रुक कर लेते हैं अन्य बड़ी खबरों का और बात करते हैं कृषि सम्मान निधि योजना की, जिसकी वजह से असम के गोलपारा जिले के जो किसान हैं उन्हें लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना कैसे जमीन पर परिवर्तन ला रही है, आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट में। किसान का विकास हमारी प्राथमिकता है, इस नारे के साथ केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना लागू की। योजना के तहत सभी किसानों को 2,000 रुपए किश्त के रूप में प्रत्येक 4 महीने में कुल 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिले के 81,220 किसानों ने अब तक इस योजना के तहत नामांकन के लिए आवेदन किए हैं। पीएम किसान निधि के तहत 79,838 किसानों को अब तक वित्तीय सहायता राशि मिल चुकी है। योजना के तहत मिली सहायता राशि की मदद से बल्दीमारी गांव के किसान अनीसुर रहमान ने 2 बीघे की खेत में मकई की खेती की है। इसी गांव के एक अन्य किसान उस्मान गनी अच्छे किस्म की धान की फसल लगाई है। दोनों ही किसान योजना के लिए सरकार का शुक्रिया करना नहीं भूलते। इस साल पीएम किसान योजना के तहत हमें 6,000 रुपए मिले। इससे हमने खेती के लिए बीज और अन्य आवश्यक चीजें खरीदने में सहायता ली। मैं इस बार अच्छे किस्म के बीज लगा रहा हूँ। सरकार से मिलने वाली हर मदद के लिए हम लोग उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये बस 6,000 टका लाभ करी मुझे अब तक 6,000 रुपए की मदद मिली है। इस बार मैंने अन्य फसलों के साथ साथ मकई की खेती भी की है। इन पैसों से खेती में मुझे बहुत मदद मिली, इसके लिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कृषकों की सुविधा कर दिए आसे ता कारण मैं धन्यवाद जानाई। जाहिर है महत्वाकांक्षी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सफलता के बाद जिले में किसान भी सफलता पूर्वक अपनी खेती के जरिए दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की राह पर आगे निकलने की तैयारियों में लगे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट डेस्क, DD न्यूज़।